तो स्वागत दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आरके टेक्निकल। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे स्क्रिप्ट फाइल के बारे में बताऊंगा जिसकी मदद से दोस्तों आप अपने किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस को स्पीड अप कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आप अपने डिवाइस की जो परफॉर्मेंस है उसको बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो। तो बहुत कमाल का वीडियो होने वाला है दोस्तों, तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने डिवाइस की सेटिंग्स ओपन कर लेनी है। सेटिंग्स ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर से आपको बिल्ड नंबर पर आकर अपना डेवलपर ऑप्शन यहाँ पर से एनेबल कर लेना है। डेवलपर ऑप्शन एनेबल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर से डेवलपर ऑप्शन को आपको कर लेना सिंपली से यहां पर से एनेबल। एनेबल करने के बाद दोस्तों सिंपली से आपको इसको एनेबल कर लेना है, जिससे दोस्तों आप अपने डिवाइस में डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, इसके बाद मैंने आपको स्क्रिप्ट फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया। वहां पर से जाकर आपको कुछ इस प्रकार से लिंक देखने को मिल जाएगा दोस्तों, मीडिया फायर का। यहां पर से दोस्तों आपको वो स्क्रिप्ट फाइल डाउनलोड कर लेनी है। करीब दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको वो फाइल देखने को मिल जाएगी स्पीड बूस्टर करके। इसको दोस्तों सिंपली से आपको कर लेना अपने डिवाइस में डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों यहां पर से मैं इसको करा लेता हूं जेड आर्चीवर एप्लीकेशन से ओपन। ओपन दोस्तों यहां पर से मैं डाउनलोड वाले फोल्डर पे चला जाता हूं। डाउनलोड वाले फोल्डर पे दोस्तों मेरे को वो फाइल देखने को मिल जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको भी उस फाइल को यहां पर से करा लेनी है लोकेट। जी हां दोस्तों, यहां पर से मैं करा लेता हूं लोकेट। आप देख सकते हो दोस्तों स्पीड बूस्टर गेमिंग मॉड्यूल करके मेरे को देखने को मिल चुका है। इसको सिंपली से मैंने एक्सट्रैक्ट करा लिया। एक्सट्रैक्ट कराने के बाद दोस्तों फ्रॉम क्वेटा एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। देन दोस्तों स्पीड /booster.sh करके आपको फाइल देखने को मिल जाएगी। इस फाइल को दोस्तों सिंपली से आपको लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद दोस्तों एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा कॉपी का। कॉपी पे क्लिक करना है दोस्तों। देन आपको चले आना है अपने डिवाइस स्टोरेज पे। डिवाइस स्टोरेज पे आने के बाद दोस्तों यहां पर से आपको न्यू फोल्डर पे क्रिएट करना है। न्यू फोल्डर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर से आपको एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेना है, जिसका आपको नाम देना है दोस्तों मॉड्यूल। मॉड्यूल करके दोस्तों नया फोल्डर आपको यहां पर से क्रिएट कर लेना है। देन दोस्तों उस पे लाकर आपको कर देना है इसको पेस्ट। जी हां दोस्तों, मेरी अदर फाइल यहां पर मॉड्यूल फोल्डर पे थी, उसको मैं दोस्तों यहां पर से डिलीट कर देता हूं। आपको दोस्तों इसको डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिंपली से मॉड्यूल फोल्डर में उस स्क्रिप्ट फाइल को सिंपली से करा देनी है पेस्ट। पेस्ट कराने के बाद दोस्तों यहां पर से कुछ का आपका काम कंप्लीट। अब दोस्तों आपको प्ले स्टोर पर जाकर क्वाटा एप्लीकेशन दोस्तों सिंपली से डाउनलोड कर लेनी है। कुछ इस प्रकार से आप सर्च करेंगे दोस्तों, स्पेलिंग आप देख सकते हैं, टर्मिनल आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों क्वाटा एप्लीकेशन की। इसको सिंपली से दोस्तों आपको अपने डिवाइस में कर लेना है इंस्टॉल। जी हां दोस्तों, इंस्टॉल मैंने सक्सेसफुली अपने डिवाइस में कर लिया। अब दोस्तों आपको वो कमांड डालनी है। वो कमांड है दोस्तों हमारी /storage/emulated/0/module/। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर से आपको हूबहू कॉपी कर लेना। आप देख सकते हो दोस्तों /storage/emulated/0/module। इतना करने के बाद दोस्तों मॉड्यूल स्लैश के बाद आपको सिंपली से अपना जेड आर्चीवर एप्लीकेशन अगेन कर लेना है ओपन। मैं कर देता हूँ दोस्तों जेड आर्चीवर एप्लीकेशन को ओपन। देन दोस्तों ये स्क्रिप्ट फाइल को आपको कर लेना सिंपली से रीनेम। रीनेम करने के बाद दोस्तों इसका जो नेम है आपको सिंपली से यहाँ पर से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों क्वाटा एप्लीकेशन पर चली आनी है। देन दोस्तों मॉड्यूल स्लैश के बाद इसको कर देना सिंपली से पेस्ट। पेस्ट करने के बाद दोस्तों राइट के बटन पे आपको कर देना है क्लिक। क्लिक आप जैसे करिए दोस्तों, देखिए आपका स्पीड बूस्टर मॉड्यूल यहां पर से फ्लैश होने स्टार्ट हो चुके। तो आप देख सकते हैं दोस्तों सक्सेसफुली हमारी ये क्वाटा एप्लीकेशन में ये फाइल यहां पर से रन होनी स्टार्ट हो चुकी। तो यहां पर से दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है इसके पूरी तरीके से कंप्लीट होने तक, कंप्लीट फ्लैशिंग तक। तो जी हाँ दोस्तों, कुछ इस प्रकार से विदाउट रूट वाला मेथड है। आप अपने किसी भी नॉट रूटेड एंड्रॉइड डिवाइस में दोस्तों इस फाइल को यहाँ पर से बहुत ही आसानी से फ्लैश कराकर अपने डिवाइस की जो गेमिंग परफॉर्मेंस या फिर दोस्तों आप नॉर्मल टास्क करते हैं उसकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों ऑल डन हमारा हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए, क्योंकि इस प्रकार की कमाल की और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाता रहता हूँ। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।